जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सिग्नेचर की। एक सिग्नेचर जो आपका होता है, अगर आप उसको बदल लें तो आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगा कोई। आप समझिए इस शब्द को या इस लाइन को कि कैसे इसका प्रयोग करना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर जरूर करता है। वो बैंक में हो सकता है, वो किसी फॉर्म पर हो सकता है, कहीं ना कहीं उसको आवश्यकता पड़ती ही है अपने साइन को देने के लिए। जब भी आप साइन करते हैं तो ग्राफोलॉजी साइंस की अगर हम माने तो इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट जीवन में देखे जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको विशेष रूप से ये बता दूं कि ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट नहीं करती, लेकिन ग्राफोलॉजी साइंस के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो सिग्नेचर करते हैं, क्या वो सिग्नेचर आपके लिए सही है, क्या वो सिग्नेचर आपको सफल नहीं होने दे रहे, या अगर आपके सिग्नेचर ठीक नहीं है तो क्या ऐसा कर लें जिससे कि आपके जीवन में उन्नति आपको छूने लगे। और आप भी जब भी सिग्नेचर करें तो जहां भी सिग्नेचर आपने की है उससे संबंधित लाभ आपको देखने को मिले और वो सिग्नेचर आपको हमेशा ऊपर ले जाने का काम करें। तो ग्राफोलॉजी साइंस में जब हम बात करते हैं तो सिग्नेचर एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति के जीवन को अच्छा किया जा सकता है। वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आज मित्रों हम ग्राफोलॉजी साइंस की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से अलग करके देखना आपको चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रेडिक्शन का साइंस नहीं है, ये एक अलग तरीके से कार्य करता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को उसकी हैंडराइटिंग से पहचाना जा सकता है, उसके व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है, उसकी मानसिकता को पहचाना जा सकता है, वो आगे कितनी तरक्की करेगा ये भी देखा जा सकता है, या वो आगे धन की दृष्टि से कैसा जाएगा ये भी बताया जा सकता है। और इसमें ही एक चीज आती है, आपके सिग्नेचर यानी कि आपके हस्ताक्षर, जिस प्रकार से आप अपने साइन करते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा तीन तरीके चार तरीके के साइन की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। यदि आप में से कोई भी ऐसे साइन करते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं तो आपको उनको बदलना चाहिए और उनका प्रकार बदलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही असफलताएं सफलता में बदलने लगेगी और आपको बड़ा और अमीर आदमी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्या करना चाहिए, सबसे पहले समझते हैं एक एक करके कि सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, उनके क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं। सिग्नेचर जब कोई व्यक्ति करता है और वो सिग्नेचर जब करता है तो करते करते उन सिग्नेचर को ऊपर की साइड ले जाता है, यानी नीचे से स्टार्ट करता है और धीमे धीमे उसके सिग्नेचर जो जाते हैं वो ऊपर की साइड जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं और ऐसे व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर्स या मोटिवेट करने के लिए भी बहुत जल्दी आगे आते हैं। किसी भी व्यक्ति को बड़ी आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। आपके सिग्नेचर नीचे से ऊपर जाने का यह इंडिकेशन है कि आप अपने जीवन में एक ऐसी मानसिकता रखते हैं जो बढ़ने के लिए कारक है। आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी में दूसरी अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिग्नेचर जब करते हैं तो उनके सिग्नेचर स्टार्ट होते हैं बिल्कुल मिडिल से और वो धीमे 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 नीचे की साइड जाने लगते हैं। ऐसे लोग थोड़े से संकीर्ण मानसिकता के लोग हो सकते हैं। ऐसे लोग थोड़े से नेगेटिव थॉट, यानी कोई भी चीज सामने आती है उसके दो पहलू पहले देखते हैं, जिसमें से पॉजिटिव बाद में और नेगेटिव पहले देखते हैं, ऐसा माना जाता है। और जो सिग्नेचर सीधे शुरू होते हैं वो नीचे की ओर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में तरक्की करने में बड़ी कठिनाई होती है और बहुत मेहनत के बाद ही वो कार्यों को संपूर्ण कर पाते हैं और सफलता ले पाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के जो हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं उनकी। सिग्नेचर आपने स्टार्ट किया और बिल्कुल सीधी रेखा में आपने सिग्नेचर कर दिए तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत बैलेंस रहना पसंद करते हैं, आप बहुत सिक्योर खेलना जानते हैं, यानी कि आप बहुत सोच समझ के अपना कदम उठाते हैं और आपको ऐसे मान के चलना चाहिए कि आप कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं। तीसरी चीज, कोई भी व्यक्ति जब सीधे सिग्नेचर करता है तो उसको सीधे यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग पसंद होते हैं और वो भी खुद भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपकी बात की वजह से आपके काम खराब हो सकते हैं। अंतिम बात करते हैं, अंतिम बात होती है कि जब भी आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर समझ में ही नहीं आते, यानी कि आपने जो भी लिखा है वो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है कि सिग्नेचर में लिखा क्या, यानी बहुत संकीर्ण सिग्नेचर होते हैं, बहुत क्लिश सिग्नेचर होते हैं, यानी कि उसमें क्या लिखा गया है वो बहुत कठिन होता है सिग्नेचर को समझना। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप में उलझे हुए होते हैं, अपने आप में ही वो डूबे रहते हैं
और अपने एक दायरे के अलावा वो उस दायरे से बाहर निकलना नहीं जानते। जैसे कि अगर उन्होंने कोई नौकरी पकड़ ली है तो उस नौकरी में ही वो जीना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, या उन्होंने कोई छोटा सा बिजनेस किया हुआ है उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, या वो कोई बड़े पद पर हैं तो बड़े पद पर रहकर वो सोशल होना नहीं जानते, यानी कि वो अपनी एक सीमाओं में कैद रहते हैं। ऐसे व्यक्ति साइन हमेशा ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति की नज़र में सुंदर लगने चाहिए दिखने में, और साफ और पढ़ने में आने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ऐसा व्यक्ति खुले विचारों वाला होता है, और जो व्यक्ति ऐसे साइन करते हैं जो किसी के भी पढ़ने में आते हैं और शुद्ध और साफ होते हैं, सुंदर लगते हैं दिखने में, ऐसा व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। यदि इनमें से कोई भी सिग्नेचर आप करते हैं और आपको लगता है कि मेरे सिग्नेचर बताए गए वीडियो में थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, तो आपको उसी के अनुसार अपने सिग्नेचर में बदलाव करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्राफोलॉजी की माने तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।